कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर हुई। इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई, साथ ही भाजपा सरकार को घेरने की नीति भी तैयार की गई। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ शर्मा की असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी व नारायणगढ़ से विधायक शालिनी के साथ कुछ खास बातचीत हुई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास चंडीगढ़ में, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की एक अहम मीटिंग हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। असम से विधायक शमशेर गोगी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या कुछ अहम रहा यहाँ जी। गोगी जी, आज की एक अनौपचारिक मीटिंग थी और इसके अंदर जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे हाउस में उठाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, उन पे जो भी कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग मोशन जो भी लगाने हैं एडजर्नमेंट, सारों के लिए बातचीत हुई है। और उसमें जैसे करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, लोकल बॉडीज का है, लैंड ऑर्डर का है, सारे मुद्दे डिस्कस किए गए। किसान का मुद्दा तो ऑलरेडी चल ही रहा है, अविश्वास प्रस्ताव भी चल ही रहा है। सारी बातों पे बात करने के लिए आज यहाँ डिस्कस हुई है। एक मतलब आप समझो भी एक लिस्ट बन गई कि क्या क्या करना है। बाकी 4 तारीख को मीटिंग है, उसमें कृषि कानूनों का अहम जो है मुद्दा उठ रहा है हरियाणा में, पूरे देश में उठ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ आपके मन में है। देखो, हमारी रणनीति है लोगों की आवाज़ जो है वो हाउस के माध्यम से उठाना और इस गूंजी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाना। MSP इस टाइम देश के किसान की नहीं, देश के उन आदमियों की भी जरूरत है जो गरीब और मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिनको खरीद के गेहूँ और चावल खाना है, जिनको PDS में माल सस्ता मिलता है, उनके लिए भी अगर सरकार के पास दाने नहीं होंगे तो क्या प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो उनको फ्री में दे देंगे या सस्ता दे देंगे? वह 200 रुपये गेहूँ हो जाएगी, ये 20 रुपये वाले। इसलिए MSP का होना बहुत ज़रूरी है। तीनों काले कानून जो हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। इसके अंदर जो नेचुरल जस्टिस का एक सिस्टम है उसको जोड़ के, इंसानियत को जोड़ के, इन काले कानूनों को दोबारा रिपील करने के बाद किसानों के साथ जो जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें एक ट्रेड लव ही लिख देना, खेती बाड़ी की ट्रेडिंग, इससे ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है। ये ठगी का काम किया है सरकार ने, उस सरकार की ठगी पकड़ी गई, इसीलिए सरकार रो रही है। सभी विधायक मौजूद थे? लगभग सभी थे, क्योंकि ये एकदम से ही मीटिंग हुई ना, यहाँ आप तो कमेटी की मीटिंग में आए हुए थे, तो इसलिए कोई एक आधा नहीं भी जो कमेटी मीटिंग में नहीं आया हो, नहीं भी था, पर बाकी मेरे ख्याल 20-25 लोग थे। तो ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने बताया कि जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो सभी इस मीटिंग में जो है किए गए हैं। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुड्डा निवास पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग रखी गई। कांग्रेस विधायक दल की इस मीटिंग में नारायणगढ़ से शालिनी जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे बजट को लेकर क्या कुछ खास रहा जी। बजट के ऊपर बोलेंगे, बजट पास होगा और आज ये बैठक हुई है। किसानों का मुद्दा सबसे अहम है, हमारे किसानों के का है, और आप जो देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, महंगाई चरम पे, ये सारे मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे। मैम, क्या कुछ बजट को लेकर अहम मुद्दे क्या रहेंगे वो कुछ? बस यही मुद्दे हैं हमारे तो, कि बजट आएगा तब उस पर हम बोलेंगे। क्या कुछ आपने तैयारी की? तैयारी हमारी पूरी तरह से, पूरे विधायक मौजूद होंगे, सभी विधायक पूरी तरह से आवाज़ उठाएंगे, लोगों की जो मांगे उनको रखेंगे। आज महंगाई का बुरा हाल हो चुका है, किसान हमारे धरने पे बैठे हैं 4 महीने से, पूरी तरह से तो ये थे मेरे साथ नारायणगढ़ से विधायक शालिनी जी, जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी और कृषि कानूनों को लेकर पूरी तरह से आवाज़ उठाई जाएगी और जनता के हित में जो भी बजट होगा उस पर पूरी बहस की जाएगी। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस चंडीगढ़।
ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक